आपका क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो क्या दिया है, 2x - my इज इक्वल टू 9, 4x - my इज इक्वल टू 9। फाइंड एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ m एंड n इफ एग्जिस्ट फॉर विच द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूला लिखते हैं, क्या कंडीशंस है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है आपकी, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, किसका, यूनिक सॉल्यूशन का। इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन किसमें होते हैं, जो एक साथ, ए ओनली सिंगल लाइन। दैट मीन्स आपका क्या होता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी होती है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको ये वाला पेयर m और n निकालना है, m by n। तो देखो क्या है, यहां पर है 2 by 4 इज इक्वल टू, पहले इक्वल टू लिखो, फिर नेक्स्ट है आपका -m by -n, है ना। तो ये आपका ये कंडीशन है, आप अभी 9 और 9 नहीं ले रहे क्योंकि आपका यहां पर ऐसा है, तो आपको नॉट इक्वल करना है, -n - कैंसर, इसको कट करो। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो दैट मीन्स m by n शुड नॉट बी इक्वल टू 1 by 2। आपका क्या आ गया, m by n शुड नॉट बी इक्वल टू 1 by 2। तो आप सिर्फ 1 by 2 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे पुट करेंगे। तो यहां पर है 2x और यहां पर है 4x, ये दोनों का होता है 1 by 2। तो नेक्स्ट जो भी आप लिखोगे वो 1 by 2 नहीं होना चाहिए। तो सपोज यहां पर हमने लिखा 3 3y, तो यहां पर आपका ये भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, यहां पर 6 को छोड़ के बाकी आप कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो सपोज हमने यहां पर लिख दिया 2, तो 3 by 2 हो गया ये और ये हो गया 1 by 2, दैट इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वल टू 9। तो आपको कोई भी एक वैल्यू डालनी है, तो ये आपका है m by n इज नॉट इक्वल टू 1 by 2, 1 by 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ सेकंड वाला देखो, सेम लिखते हैं। यहां पर है आपका 2 by 4 इज इक्वल टू, ये है आपका -m by -n, इसको कट कर दो। लेकिन यहां पर है आपका 9 by 9, तो 9 by 9 को कट करेंगे तो ये आपका आएगा 1 1 by 1 और ये आपका आ रहा है 1 by 2। तो m by n आप कौन सा वैल्यू डालेंगे, आपके पास में कोई वैल्यू नहीं है जो इसके अंदर पुट कर सको, क्योंकि अगर आपको इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन चाहिए तो यहां पर भी 1 by 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें आ जाओ, तो यहां पर आपका है 2 by 4
और बी में आपका है माइनस एम एंड माइनस एन, और यहां पर आपका क्या है 9/9, दैट मीन्स 1/1। आपकी कंडीशन है दिस इज इक्वल टू दिस, ये कट कर दिया, ये हो गया 2, तो सेकंड वाला माइनस और माइनस को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये देखो इसको भी 1/2 करना है, तो यहां पर आप कोई भी वैल्यू डाल दो, आपकी मर्जी है। यहां पर आप सेम वैल्यू भी डाल सकते हैं 2 और 4 भी, तो लेकिन अगर 3 डाल रहे हैं तो नेक्स्ट में आपको 6 डालना है एंड में, तो आपका देखो क्या आएगा 2x-3y इज इक्वल टू 9, क्योंकि ये नॉट इक्वल है, यहां पर 1/1 है, और यहां पर आपका आएगा 4x-6y इज इक्वल टू 9। तो ये देखो इसका पेयर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा इसके बराबर, और ये आपका क्या हो जाएगा 1, तो नॉट इक्वल, तो ये सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तो ये आपका पैरेलल लाइन है, तो इस तरह से आपको लिखना है।